क्या क्या शर्मा जी आप कह रहे हैं कि मैं खुद कार्यकारिणी की बैठक में था, ये क्या कोई लॉबी वाला खेल चल रहा है? ठीकरा फोड़ने की तैयारी चल रही है? ठीक है के शर्मा जी, अरे तो भाई, अरे भाई वो के शर्मा जी विचारों की मजबूरी है, के शर्मा की मजबूरी है, वो कैसे बोल देंगे आपको कि वहां क्या बोले दीजिए अब उनको। के शर्मा जी समझ गया, मैं समझ गया, ऐसा है, मैं समझ गया किसकी बेचारगी है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, जेब का पैसा लगा के काम करते हैं, लेकिन जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर बैठ के एक विचारधारा से चलती हो वो हमें न सिखाएं, वो हमें कम से कम अपनी बेचारगी का तलब हमें न बताएं, तो इसलिए उनको उतना ही विश्लेषण करना चाहिए, अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं अभी इन्होंने कहा कि पार्टी जो है एकदम अब डूब रही है, पार्टी टूट गई है, खत्म हो जाए, तो ये सपना रोज देख कर ये कई लोग सोते हैं इस देश में। बहुत से पॉलिटिकल पंडितों को देखा है जो इस तरह का सपना रात को देखकर सोते हैं और बेचारे सुबह उठते हैं तो दिन फिर काले हो जाते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते। तो ऐसे लोग बहुत से हैं जो रोड पे भटक रहे हैं और भटकते ही रहेंगे, वो पिछले 2014 से भटक रहे हैं और यही सपना रोज गाए जाते हैं उनके द्वारा। दूसरी बात अखिलेश जी, मैं आपको कहूँ, उपचुनाव निश्चित तौर से है और बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव, हम बिल्कुल उसके लिए प्रयासरत हैं, पूरी तरह मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके भी कई दायरे, कई जो है परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। 2017 का चुनाव हुआ और हम वहाँ पर पूरी सीटें जीते, सरकार बनाए, उसके बाद जो जस्ट उपचुनाव हुआ हम सारे उपचुनाव हारे, 19 के चुनाव में फिर हम जीते, तो ये प्रक्रिया भी चलती रहती है हार जीत का। दूसरी बात, आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई, फलाना हो गए, साहब हम 20 से 22 राज्यों में अभी भी सरकार में हैं इस देश में, 36 राज्यों में से, इतनी स्ट्रेंथ और किसी की नहीं है, सबसे बड़ी देश की क्या, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास, ठीक है, के शर्मा जी, ज्यादा सांसद हमारे पास, जो चुनाव लड़ते हैं, तो आपके, आज आपके ये बैठ के यहाँ पर ये बहुत ही कुशलता के साथ आप लोग चुनाव लड़ते हैं, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं, ठीक है के शर्मा जी, लेकिन जो बाय इलेक्शन को लेकर आज बैठक हुई 5 कालिदास मार्ग पर, उसमें संगठन के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? आज जो खबरें आ रही थी उसमें सिर्फ मंत्री बुलाए गए थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हर चुनाव में कुछ मंत्रियों की जो सरकार जहां होती है वहां मंत्रियों की जो वहां पर ड्यूटी लगती है और संगठन की भी अपनी ड्यूटी लगती है, संगठन से भी तमाम पदाधिकारियों को उन सभी 10 विधानसभाओं में लगाए गए हैं और उनकी भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि उनका डिवाइडेशन नहीं होता और वहां पर केवल जो है सीएम जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर, ये अपनी व्यवस्था बनाई जाती है, जैसे हम ही लोग प्रदेश के प्रभारी भी बनाते हैं और चुनाव के समय प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी बनाते हैं, आप ही लोग न्यूज चलाते हैं ना, हमारे प्रदेश के प्रभारी भी होते हैं जो संगठन से ही होते हैं और चुनाव के समय में हम चुनाव प्रभारी भी बनाते हैं, उसमें जो है सरकार से भी, ठीक है, अब चूंकि वक्त की कमी है, मल्टी लेयर प्रक्रिया है, सुरेंद्र राजपूत जी आपको संगठन चलाए आ गई थी, संगठन को जाने उसको समझ आएगा जो रोड छाप संगठन में बैठे, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आपको हंसी क्यों आ गई थी, को क्या उनको तो हंसी छूटेगी, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं, रिएक्शन ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, अब समय इतना नहीं है, जल्दी से रोटी के हिसाब से बोलना है, ठीक ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी। भाई हमें इसलिए हंसी आ रही है के शर्मा जी कि आपको कितना झूठ बोलना पड़ रहा है, आप आज की डेट में सीधे सीधे क्यों नहीं मान लेते भैया कि सर आप घबराइए, क्यों नहीं मान लेते कि मध्य प्रदेश में तो मोदी की गारंटी जीती है और उत्तर प्रदेश में मोदी की गारंटी हारी है, इसमें कौन दिक्कत है? उसके बाद 13 राज्य चुनाव हुए, 11 हारे आप 11 हारे, आप पहले अयोध्या हार गए, अब बद्रीनाथ भी हार गए और 228 किलो सोने का पता नहीं कौन सा आपने बाबा केदारनाथ के मंदिर में घपला कर लिया, हम नहीं कह रहे, स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बद्रीनाथों हार गए हो आप, तो अयोध्या से लेकर के अयोध्या रामगमन वन पथ पूरा हार गए, अयोध्या हारे, श्रावस्ती हारे, अंबेडकर नगर हारे, सुल्तानपुर हारे, इलाहाबाद हारे, कौसाम्बी हारे, दादा हारे, आप रॉबर्ट्सगंज भी हार गए, राम का नाम लेने से नफरत करते थे, भी हार गए, उसके बाद आप जो हो इतना ज्यादा बहादुर भगवान का नाम लेने लगे, करके इसी बहाने भगवान का नाम लेने लगे, आप लोग मुलाकात करा दो, आप कुर्सी राम तो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा करो कुर्सी को और स्टूल को आपस में बदलवा दो, राम के तो अस्तित्व ही नहीं है, हर्षवर्धन जी कुर्सी को और नफरत करने वाले लोग बदलवा दीजिए, ठीक है हर्षवर्धन जी, वापस लौटते, ठीक है चर्चा में वापस लौटते हैं, थोड़ी देर में हम डिरेल हो जाते हैं, दोनों की कमजोर हुई, चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया संगठन को लेकर, जो बात उन्होंने कही मंच से कही, संगठन को बड़ा उन्होंने बताया,
मैं आखिर में फिर से यही समझना चाहता हूं आपसे कि यह बयान क्या उस मंच से देना जरूरी था, और अगर दिया गया तो क्या इसके पीछे कोई खास संदेश नहीं था? नहीं देखिए, ये निश्चित तौर पर यह बयान दिया ही जाना चाहिए था। यह बयान मुख्यमंत्री की तरफ से भी आना चाहिए कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और सरकार में जो सबसे बड़ा नेता होता है वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति में कहा, एक तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, अपनी प्रासंगिकता भी बेहतर करनी है, कार्यकर्ताओं की नजर में नेता बनना है, लेकिन जो सबसे जरूरी है, संगठन सरकार से बड़ा नहीं तो संगठन सरकार के साथ चलता हुआ दिखे, कार्यकर्ता की संगठन की उसी तरह की इज्जत होती हुई दिखे, ये अगर भारतीय जनता पार्टी साबित कर लेगी तो उसके लिए बहुत दूसरी मुश्किलें जो है वो अपने आप आसान हो चले। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, समय नहीं, घनश्याम जी माफी चाहूंगा, शुक्रिया आपका। शरद जी आपका भी धन्यवाद, के शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी बहुत धन्यवाद, आज इस बहस में आप सभी लोगों ने हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।